मंगलवार को ऐसे अमंगल की कल्पना किसी ने नहीं की होगी, जब एक साथ सात चिताएं टिकौली में बनाई गई, सात चिताओं पर नौ शवों को मुखाग्नि दी गई। गांव में एक साथ उठी दस अर्थियों को देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। गांव में उठे गम के गुबार से हर आंख नम, हर ओर गम देखने को मिला। गांव में एक चूल्हा तक नहीं जला, और जले भी तो कैसे। सोमवार को इटौंजा के तालाब में ट्रक से टक्कर के बाद तालाब में पलटी ट्रैक्टर ट्राली, सड़क हादसे में कई जिंदगियां तबाह हो गई। हादसे में जहां 37 लोग घायल हुए, वहीं मरने वालों की संख्या दहाई के आंकड़े तक पहुंच गई। मृतकों में तीन लड़कियां व सात महिलाएं शामिल हैं। यह सभी टिकौली गांव के रहने वाले हैं। इनमें दो परिवारों की मां बेटी भी शामिल है। गांव में एक ऐसी बदनसीब दादी रामरति भी हैं, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी दो बहुएं सुषमा कोमल और उनकी पोतियां रुचि आयुषी सदा के लिए उनसे दूर जा चुकी हैं। बार बार पोतियों की तस्वीर देखकर रोने लगती हैं। घटना के दो दिन के पहले की बात याद करते हुए रामप्रति कहती हैं, नवरात्र में मंदिर दर्शन जाने को लेकर रुचि और आयुषी दोनों बहुत खुश थीं, लेकिन क्या पता था वो वहां से कभी वापस नहीं लौटेंगी। दोनों माँ के साथ ही घर आई थीं और माँ के साथ ही चली गईं। मृतकों में रामरतन मौर्य की 48 वर्षीय पत्नी सुषमा, 21 बरस की बेटी रुचि, चुन्नीलाल की 45 वर्षीय पत्नी कोमल, 13 वर्षीय बेटी आरुषि, राजकिशोर मौर्य की 54 वर्षीय पत्नी मालती, मुखलाल मौर्य की 50 वर्षीय पत्नी सुखरानी, छोटेलाल मौर्य की 46 वर्षीय पत्नी केतकी, पवन गुप्ता की 13 वर्षीय बेटी अंशिका, राम खिलावन पांडे की 40 वर्षीय पत्नी सुनीला और बाबू अवस्थी की 48 वर्षीय पत्नी अन्नपूर्णा शामिल है। सरकार ने हादसे में मृतक परिवार को इमदाद का मरहम लगाते हुए 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद के रूप में देने का ऐलान किया है। सीतापुर से आई इंडिया की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।